अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। अब सुनिए अभिनेता शेखर सुमन ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और देखिए क्या सवाल उठाए। सुशांत सिंह की अकस्मात और अस्वाभाविक मृत्यु के बाद एक विवाद खड़ा हुआ है कि इसे इतनी जल्दी आत्महत्या का दर्जा क्यों दिया गया या आत्महत्या क्यों करा दिया। और इतनी जल्दबाजी में उनका पोस्टमार्टम क्यों किया गया। अक्सर ऐसा होता है जब ऐसे हालात होते हैं और ऐसी दुर्घटना होती है तो परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस जब वहां पहुंचती है तो पहला बयान यह होना चाहिए कि परिस्थितियों को देखते हुए या जो आंखों को दिखाई दे रहा है ये आत्महत्या प्रतीत होता है, ये एक संदिग्ध मृत्यु दिखाई देती है, इट कुड परहैप्स बी सुसाइड, लेकिन आप प्रमाण के साथ या बगैर प्रमाण के ये नहीं कह सकते कि ये आत्महत्या है। आपको ये कहना चाहिए कि ये जांच का विषय है और जांच के बाद हम बताएंगे कि आत्महत्या है या नहीं। तो बहरहाल ये स्टेटमेंट दिया गया लेकिन उसके बाद लगातार बहुत सारे तथ्य उभर के आए, बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस निकल के आए जो लगा कि जो आंखों को दिखाई दे रहा है या जो हमें बताया जा रहा है उसके विपरीत कुछ और कहीं कहीं ये षड्यंत्र तो नहीं है, साजिश तो नहीं है, कहीं ये हत्या तो नहीं या कुछ ऐसी कंस्पिरेसी तो नहीं थी कि जहां सुशांत को उन परिस्थितियों की वजह से ऐसे कगार पे लाया गया। ही वॉज ब्रॉट टू दैट ब्रिंक एंड दैट प्रेसिपिस कि जहां वो मजबूर हो गए आत्महत्या करने। वजहें बहुत सारी हो सकती हैं, कारण कई हो सकते हैं। बिहार का नाम रोशन करने वाला एक नौजवान जिसने सफलता की तमाम सीढ़ियां चढ़ी, जिसने एक बड़ा सक्सेसफुल ट्रांजिशन किया टेलीविजन से जो कि बहुत डिफिकल्ट माना जाता है। एक वंस अ टेलीविजन एक्टर ऑलवेज अ टेलीविजन एक्टर, पहले शाहरुख खान थे और ये दूसरा कोई 30 साल के बाद एक लड़का पैदा हुआ जो बिहार का, तो इस बात की हम सबको बहुत फख्र है, बात पे गर्व है कि ही वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बिहार स्पेशली द यूथ, और अपनी पहली ही फिल्म को 100 करोड़ क्लब में लाया लेकिन उसको कभी किसी चीज का एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, न रिवॉर्ड मिला, न अवार्ड मिला, न रिकग्निशन मिली। और ऐसा बताया गया कि धीरे धीरे उसका असर उस पर यह हो रहा था कि इतना करने के बावजूद ऐसा क्यों लग रहा है कि चीजें जो है मेरे अनुकूल नहीं। और फिर नेपोटिज्म की बात चली और मैं बार बार इस बात को दोहरा चुका हूं जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में है वो नेपोटिज्म नहीं है, वो गैंगिज्म, एक कार्टेल है, एक कॉकस है, कोटरी है, क्लीक है, एक क्लैन है, एक सिंडिकेट है, एक माफिया है जो चीजों को कंट्रोल करता है, वही डिसाइड करता है कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन रहेगा, कौन खत्म हो जाएगा। ये इस तरह से खतरनाक है, ये अंडरवर्ल्ड का गैंग नहीं, ये वेस्टेड इंटरेस्ट का गैंग है जो पूरी इंडस्ट्री को कंट्रोल में अपने कब्जे में रखना चाहता है ताकि वो अपना उल्लू सीधा कर सके, अपने प्रोडक्शन हाउस को आगे बढ़ा सके, पैसा कमा सके, शोहरत कमा सके। ये टैलेंट को दबोच के उनको कॉन्ट्रैक्ट में बांध के रखता है। बाहर से जो टैलेंट आते हैं पहले तो उनको तवज्जो नहीं दी जाती और जब वो बढ़ जाते हैं तो इन लोगों को खतरा होता है कि वो उस स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा जो हमारा है, तो या तो उसको मिटा दिया जाता है उसी वक्त या उस क्लिक में शामिल कर लिया जाता है। अगर वो शामिल हो गया, अगर वो चाटुकार बन गया, अगर वो चापलूस बन गया, अगर वो आपके तलवे चाटेगा, अगर यस मैन बनेगा, जी हुजूरी करेगा, हाँ हाँ करेगा, तो आपको उनके टुकड़ों पर पलना पड़ेगा। जिस दिन आपने डिफाइंट एक एटीट्यूड दिखाया या बगावत की या ना कहने की जुर्रत की उस दिन वो हश्र उसका वो होगा जो सुशांत के साथ हुआ। आखिरी दिनों में उसकी सारी फिल्में उससे छीन ली। और जो तथ्य सामने आए वो ये था कि एक डुप्लीकेट चाबी थी, ये कितनी इसमें सच्चाई है हकीकत क्या है ये नहीं मालूम, लेकिन ये सब पब्लिक डोमेन में बातें आ रही हैं और ये हमारा फर्ज हो जाता है इंसानियत के नाते, और मेरा तो खास तौर पर इंसानियत के नाते, एक फिल्म फ्रेटर्निटी में एक दोस्त गया उसके नाते, बिहारी होने के नाते, कि ये पता करें कि इनमें कितनी सच्चाई है और सच्चाई के लिए जांच जो है वो आवश्यक है।
उसी के तहत मैं सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहा हूँ। सुसाइड नोट होता तो ये ओपन और शक केस हो जाता, उसी वक्त ये केस खत्म हो जाता, हम लोग सब बिलीव भी कर जाते। इन द एब्सेंस ऑफ अ सुसाइड नोट देयर आर मेनी क्वेश्चंस दैट प्रॉपर, और वो ये कि जो लड़का रात को पार्टी कर रहा था, जो सुबह उठ के प्ले स्टेशन पे था, जो एक ग्लास जूस मांगता है आके बैठता है, उसके मन में अचानक ऐसी क्या बात कौंधी, उसने कहा चलो अब उठते हैं सुसाइड कर। ये बात हजम नहीं हो रही है। सीसीटीवी कैमरा से छेड़छाड़, उसने कई सिम कार्ड्स पिछले महीने में करीब 50 सिम कार्ड चेंज किए। क्या वजह थी? सिम कार्ड आदमी क्यों चेंज करता है? सिम कार्ड आदमी तब चेंज करता है जब वो किसी को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हो, किसी से बचने की कोशिश कर रहा हो, जब कोई थ्रेट हो, जब कोई खौफ हो, तो वो सिम कार्ड चेंज किया जाए। फिर जो ऊंचाई बताई जा रही है वो इतनी कम है, क्योंकि मुंबई में जो छत है इससे ऊपर नहीं होती, वहां उसके ऊपर बिस्तर पे चढ़ के फिर उनकी अपने उनका कद जो 6 फीट का था तो जगह ही नहीं बच जाती है कि आप लटके। फिर पहले इस कपड़े से, फिर बाथरोब से, फिर कुर्ते से लटका, वगैरह वगैरह ये बात निकल रही। और जो एक बहुत अहम तथ्य जो निकल के आया है प्राइमरी फेसी, वो ये है कि गले में जो लाल निशान है, अगर वो कुर्ते से किया गया तो वो मोटा होना चाहिए, वो एक रस्सी का निशान लगता है। और अमूमन बल्कि हर बार जबकि कोई खुदकुशी करता है तो उसमें वी का निशान होना चाहिए, क्योंकि रस्सी ऊपर की तरफ। देखिए, मैं कोई फोरेंसिक एक्सपर्ट नहीं हूं, ना मैं सीबीआई के बिहाफ पे बोल रहा हूं, मैं वही बोल रहा हूं जो सवाल सबके दिमाग में आज है। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को लाइक कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल न्यूज टाइम्स 24 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।